टीवी इंडस्ट्री में एक दूसरे को टक्कर देते हुए खूब पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले अभिनेता वरुण सोबती और शरद मल्होत्रा के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि दोनों कितने बेहतरीन कलाकार हैं। जहां वरुण काफी कम समय में अपने अच्छे प्रदर्शन से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए, तो वहीं शरद मल्होत्रा भी एक से बढ़कर एक लोकप्रिय सीरियल में काम करके अच्छे प्रदर्शन के चलते आज खूब नाम और शोहरत कमा चुके हैं, जिससे दोनों ही एक आलीशान जिंदगी बिताते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों एक्ट्रेस में से कौन ज्यादा फेमस है और किसकी लाइफस्टाइल है सबसे बेहतरीन? तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दोनों के पॉपुलर शो, लाइफस्टाइल और फैन फॉलोइंग के बारे में बताकर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिर कौन है सबसे ज्यादा आगे। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके फेवरेट अभिनेता अर्नब यानी कि वरुण सोबती से, जिन्होंने सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में शानदार अभिनय करके दर्शकों के दिलों में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। साथ ही अपनी प्यारी सी स्माइल से लोगों का दिल भी जीता है, तभी तो ये अभिनेता आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इनके इसी सफल करियर की शुरुआत साल 2009 में प्रसारित सीरियल श्रद्धा से हुई थी, जिसके बाद इन्होंने करीब 4 साल लोकप्रिय शो में काम किया, जिसमें दिल मिल गए, बात हमारी पक्की है, इस प्यार को क्या नाम दूं और इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 3 जैसे पॉपुलर शो शामिल है, जो सभी दर्शकों को खूब पसंद आए थे। लेकिन इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर शो इस प्यार को क्या नाम दूं, जिससे इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। इसके अलावा वरुण ब्राइड रेम्स, तन्हाइयां और द मिसिंग स्टोन जैसे वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं, जिसके चलते इन्हें मैं और मिस्टर राइट, तू मेरा संडे और 22 गर्ल जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला है। और इन्हीं सभी टीवी शो और फिल्मों की बदौलत आज वरुण सोबती करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें इनका एक आलीशान फ्लैट भी शामिल है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। वह इनके इस खूबसूरत फ्लैट को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वरुण अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि अपने फिटनेस के अकॉर्डिंग ज्यादा कोट पैंट में नजर आते हैं, जिसमें वरुण बेहद प्यारे और हैंडसम लगते हैं और इनके कपड़ों की कीमत करीब 50,000 रुपए तक होती है। साथ ही अपने कोट मैचिंग शूज भी पहनते हैं, क्योंकि गुची, अरमानी जैसे ब्रांड के होते हैं। वही अगर बात करें इनकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा चार चांद लगाने वाली इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पास मर्सिडीज सी क्लास, सेडान और होंडा सिटी जैसी कई गाड़ियां मौजूद है। वही अगर बात करें इनकी पॉपुलैरिटी की, तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 193 फॉलोअर्स हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं साल 2004 में प्रिंसेस जोली और उसका मैजिक बैग शो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता शरद मल्होत्रा की, जो अपने करियर में करीब 7 फेमस टीवी शो में नजर आ चुके हैं। टीवी शो के अलावा ये फ्रॉम सिडनी विद लव और एक तेरा साथी जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। लेकिन अभिनेता शरद मल्होत्रा आज भी सीरियल कसम तेरे प्यार के लिए ही जाने जाते हैं। आपको बता दें कि इन सभी टीवी शो और फिल्मों की बदौलत इन्होंने आज पूरे 17 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, जिनमें इनका अंधेरी और लोखंडवाला का एक आलीशान बंगला है। अब जाहिर सी बात है कि 17 करोड़ रुपए के इकलौते मालकिन हैं और लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे नहीं जिएंगे? तो आइए जानते हैं इनके लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। आपको बता दें कि इनके पास महंगे महंगे कपड़ों का कलेक्शन है, जिनमें पराडा, गुची और अरमानी जैसे ब्रांड के कपड़े शामिल हैं, जिनकी कीमत 70,000 से लेकर 90,000 रुपए तक होती है। और इसी के साथ ही वॉच और शूज कलेक्शन के भी शौकीन है, इसलिए तो इनकी अलमारी में हमें जिमी चू और NHM जैसे शूज का कलेक्शन भी देखने को मिलता है। अब अंत में बात करते हैं इनकी आलीशान लाइफ में और भी ज्यादा लग्जरियस बनाने वाले कार कलेक्शन के बारे में। तो बता दें कि इनके पास व्हाइट कलर की स्कोडा कार के साथ हुंडई और मारुति जैसी कई गाड़ियां मौजूद है। अब बात करें इनकी पॉपुलैरिटी की, तो इंस्टाग्राम पर इनके 1.3 मिलियन फॉलोअर हैं, जो इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों ही कलाकार अपने डैशिंग पर्सनालिटी से लोगों का दिल चुराने में पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों की पॉपुलैरिटी और लाइफस्टाइल में जो 2 कदम आगे है वो है शरद मल्होत्रा। जी हाँ, अभिनेता शरद ही सभी चीजों में वरुण से 2 कदम आगे है। इन दोनों अभिनेताओं में से आपके फेवरेट अभिनेता कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।